ओम परमात्मने नमः। 13वें अध्याय में राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋतुज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुका है। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा नीम चुप हो गए और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ आरंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात मानकर यज्ञ आरंभ किया है। उस समय उन्होंने श्राप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह श्राप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी साफ दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावो, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य छूटेगा। इस भय से भी होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियो, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोच करके राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया और उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। इसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षण, जनक का उदावसु, उसका नंदवर्धन, नंदवर्धन का सुकेतु और उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ का महावीर, महावीर का सुद्रति, सुद्रति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हृयश्च और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड़ और देवमीड़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हुआ ह्रस्वरोमा। इसी ह्रस्वरोमा के पुत्र महाराज शिरध्वज थे।
वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर हल्के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई, इसी से उनका नाम शिरध्वज पड़ा। शिरध्वज के कुशध्वज और कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मृतध्वज। कृतध्वज के केशध्वज और मृतध्वज के खांडक्य हुए परीक्षित। केशध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था, खांडक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशी ध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का सतद्युम्न था, सतद्युम्न से सुचि, सुचि से सनद्वाज, सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमी और अरिष्टनेमी से श्रतायु, श्रतायु से सुपार्वक, सुपार्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमदि का जन्म हुआ। क्षेमदि से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत, वस्वनंत का युयुध और युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय और जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का सुनक, सुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलास और बहुलास का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावसी परीक्षित। ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। अतः 13वां अध्याय समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।